सोनाले गांव में चल रहे सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ग्राउंड का अभाव खल रहा था। बिशु भाव मात्रे जो इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति हैं, उन्होंने हमारी टीम से चर्चा की कि खिलाड़ियों का कौतुक और उनका प्रदर्शन और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं यहां से भारत के लिए एक सुंदर खिलाड़ी भेजूं ताकि भारत की सेवा कर सके और हमारे सोनाले गांव का और हमारे ग्राउंड का नाम रोशन कर सके। उस समय क्रिकेट का जो था माहौल उसको ध्यान में देखते हुए उन्होंने कहा कि इनके कौतुक को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना सपना साकार कर सकेंगे। हुसैन सर जो कोच हैं उनकी प्रशंसा करते हुए और ख़ास करके वहां पर आए हुए खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने हमारी टीम से चर्चा की। सुनते हैं बिशु भाव मात्रे के अंदर दर्द क्या है, हमारे सवाल पर किस तरह उन्होंने जवाब दिया। सवाल कि जिस तरीके से ग्राउंड की रचना हुई और जो ख्वाब था वो पूरा होते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सीजन एक्चुअली चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सोनाले ग्राउंड जो आप देख रहे हैं ये हमारे सोनाले गांव की आन बान शान है। यहाँ जितने भी लोग खेल के गए वो आज IPL में खेल रहे हैं, कोई अर्जुन अपना सचिन तेंदुलकर का लड़का जो अर्जुन तेंदुलकर उसी के हाथ से इसका ओपनिंग किया था और आज वो लड़का IPL में खेल रहे हैं। तो ये ग्राउंड जो है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर के बड़े बड़े टूर्नामेंट यह होती है। हुसैन सर और हमारा एक सपना है कि यह IPL की मैच या जो अपना रणजी मैच या हमको करना है। तेरा एक सवाल और करूंगा कि ग्राउंड की पुकार ये कह रही है कि मुझे खूबसूरत बनाइए ताकि मैं आपके बच्चों के भविष्य को खूबसूरत बनाए। आपके बात से मैं सहमत हूँ कि ग्राउंड की सही में पुकार है कि मेरे को और यहाँ से अच्छा थाना जिला में ग्राउंड नहीं होएगा वैसा ग्राउंड या बनाने की कोशिश हुसैन सर और हम सबके माध्यम से ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। आप साइड में देखेंगे तो आज यहाँ शिविर के लिए सीजन शिविर का आयोजन यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं। आज श्रीकांत शिंदे साहब के हाथों से उसका ओपनिंग करने जा रहे हैं। हमारा सपना ही है कि हमारे यहाँ सोनारे के ग्राउंड से एक दो बच्चे जो है वो अपने देश के लिए खेले, ये हमारा सपना है। आज के दौर में आप देखेंगे तो कोरोना का काल होते हुए भी भिवंडी के अंदर आप देखेंगे टेनिस का माहौल बहुत जोर धाम से चालू है और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सीजन का मैच का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। खास करके हुसैन बोलने के लिए मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी छोटा के बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि एक्चुअली भिवंडी के अंदर मैंने देखे कि ऐसा आदमी मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्या बात है, बोल दे बोल दे। ऐसा आदमी देखा नहीं होगा, तन मन धन से उनका काम, बच्चों के प्रति जो काम है सीजन के बारे में उनका पूरा जिंदगी उसमें गई है और उनको काम करना है। यहाँ से जब तक भिवंडी के अंदर से हम लोग दो तीन बच्चे भारत के लिए नहीं खेलेंगे तब तक उनका सपना अधूरा रहेगा और हम लोग उनका सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। हम लोग सीजन का काम करते जाएंगे।